ये है न्यूज नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं एनएन न्यूज उत्तराखंड। विकास नगर बोटीवाला रोड में सीधला नदी पर 14 करोड़ की लागत से तैयार होगा पुल। आज विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने भूमि पूजन कर इस पुल की नींव रख दी है, जो अगले एक साल में बनकर तैयार हो जाएगा। पुल के बनने के साथ ही इस रोड से गुजरने वाले यात्रियों को नदी में आने वाली बाढ़ से राहत मिलेगी। बरसात के दिनों में तो इस रोड पर पड़ने वाले यात्रियों को कई किलोमीटर का रास्ता तय कर अपने आशियाने पहुँचना पड़ता है। इस पुल की मांग स्थानीय जनता द्वारा पिछले काफ़ी समय से की जा रही थी, जो अब पूरी होने के कगार पर है। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि आगामी क्षेत्र का विकास सिर्फ भाजपा ही कर सकती है और आगामी चुनाव में भारी बहुमत से जीतेगी। राइट नहीं रोड और बड़ा एक्सीडेंट प्रोन एरिया ये बन गया था। हर साल कुछ ना कुछ घटनाएँ होती रहती थी और इससे जो रोज़मर्रा की जनसुविधाएँ वो तो होगी ही, विकास के लिए भी बहुत आवश्यक है। इसलिए जैसा मैंने कहा भी, केवल एक पुल को आइसोलेशन में देखने की जरूरत है। इस पूरे जो हमारी कनेक्टिंग रोड्स हैं, इस पर पुलों की बाकायदे की श्रृंखला में तैयार करना है, ताकि किसी भी प्रकार के आवाजाही में या भारी वाहनों के आने जाने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। और जो ब्लैक स्पॉट्स हैं, जिसकी वजह से सडन पुलिया तंग है, एकदम टर्न आ जाता है, सामने से कोई दूसरी गाड़ी आ गई, दुर्घटना ही हो जाए करके, उस सबको रिमूव कर रहा हूँ। सर कितनी लागत है, कब तक तैयार हो जाएगा ये? तो 14 करोड़ की लागत का पुल है। इसमें 14 करोड़ की लागत का पुल है और इसके लिए 1.5 साल का टाइमलाइन विभाग ने सेट की है। लेकिन मैंने अपने तरीके से, जो वर्किंग एजेंसी है, जो ठेकेदार है, उनको मैंने 1 वर्ष का समय दिया और उन्होंने मुझसे कमिट किया है कि अगले बरसात से पहले हम इसे पूरा करके देंगे। सरवटपुर के बस अड्डे के बाद आपने निर्माण की बात की है, वो कब?